इन टूडेज क्लास वी विल बी व्हाट इन टूडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट व्हाट वी विल टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज. रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट रोमांटिक एज, व्हेन आई टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म, देर आर सर्टेन थिंग्स, देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. नंबर वन पॉइंट कि व्हेन यू टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज, देन रिमेंबर दैट इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1837. सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि रोमांटिक एज का जो पीरियड है वो 1798 से 1837. जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि आर यू गेटिंग माई वॉइस, सबको आवाज जा रही है क्या? ओके ओके, समवन हैज रिटन कि माई वॉइस इज ब्रेकिंग, देन आई थॉट कि परहैप्स कुछ ऐसा. सो आई वॉज टेलिंग यू, वट आई वॉज टेलिंग यू कि इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज, एंड दिस रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1837. वाई 1798, वाई 1837, ये दो चीजें ध्यान में रखना जरूरी है. तो जो 1798 है दैट इज रिमार्केबल, या दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. वाई दैट इज अ सिग्निफिकेंट डेट, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट, बिकॉज यू विल कम टू नो कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक राइटर है और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एस टी कॉलरिज है, इन दोनों लोगों ने मिल करके एक ज्वाइंट वर्क किया था, एक ज्वाइंट काम किया था जिसका नाम क्या था, लिरिकल बैलाड. सो यू विल कम टू नो कि लिरिकल बैलाड जो रहा है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, दैट वॉज द ज्वाइंट वर्क ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. ये पार्टिकुलर जो वर्क हुआ था इट केम इन 1837. ये जो आता है कब आता है, 1798 में आता है. तो इफ एनी वन आस्क यू कि वाई 1798, देन रिमेंबर दैट कि 1798 बिकॉज द मास्टर पीस ऑफ रोमांटिक एज इट केम इन 1798. एंड वट इज द टाइटल ऑफ दैट मास्टर पीस, दैट इज वट दैट इज द यू विल कम टू नो कि दैट इज लिरिकल बैलड. एंड लिरिकल बैलड इज वट लिरिकल बैलड, यह एक ज्वाइंटली वर्क था. किसका ज्वाइंटली वर्क था? इट वॉज अ ज्वाइंटली वर्क ऑफ एस टी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. और उसमें भी आप देखेंगे कि जब शुरू में ये आई हुई है तो उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी. मैं लिरिकल बैलड पे बाद में भी बात करूंगा, बट टूडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, डेट, ऑल दिस थिंग. तो 1798 क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपसे डिस्कस किया. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि वाई 1837, 1837 इज रिमार्केबल बिकॉज क्वीन विक्टोरिया का आना होता है. तो क्वीन विक्टोरिया के आने का मतलब विक्टोरियन एज का खत्म होना, या विक्टोरियन एज का आना और रोमांटिक एज का समापन या उसका खत्म होना. तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि एक ऑथेंटिक डेट है, कि उसके पीछे का रीजन समझ में आता है कि 1798 और 1798 के अलावा 1837. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज टू थिंग्स 1798 एंड 1837, कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, रोमांटिक एज इट स्टार्टेड फ्रॉम 1789. देयर आर सम क्रिटिक्स, दे से नो रोमांटिसिज्म बिगन, या रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म एज अ मूवमेंट इट स्टार्टेड विद द ब्रोकन आउट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. एंड व्हाट वाज दैट डेट, दैट डेट वाज 1789. आपको ध्यान में रखना है 1789 और 1798. 1798 तो बिल्कुल ऑथेंटिक डेट है, देर इज नो डाउट एट ऑल, वही उसका स्टार्टिंग का डेट माना जाता है. लेकिन सम क्रिटिक्स दे से नो नॉट 1798 बट 1789. सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेन यू गो विथ 1789, जब आप 1789 के साथ चलते हैं तो उसका क्या वैल्यू, उसका क्या इंपॉर्टेंस है. जो 1789 है उसमें क्या हुआ था, उसमें द फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोकन आउट, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो जो है ब्रोकन आउट हुआ था. यू विल कम टू नो कि वो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, एंड दैट वाज द डेट इज व्हाट, द डेट इज 1789. एंड द स्लोगन ऑफ दिस रिवोल्यूशन वाज व्हाट, द स्लोगन ऑफ दिस रिवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो दीज टू पॉइंट्स यू हैव टू नोट, एंड कि व्हाई 1789 एंड व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ दैट रिवोल्यूशन. 1789 में द फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोकन आउट,
एंड द स्लोगन ऑफ दिस रिवोल्यूशन वॉज लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी। एक्सेप्ट इट यू विल कम टू नो, यू कैन जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन। आप इस रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट देख सकते हैं, और कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा? यू विल सी या यू यू विल फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन वर्ड्सवर्थ पर। वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड में, उनका जो पोएम द प्रील्यूड रहा है, उसमें उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से कुछ लाइनें या पोएम को उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन का किसकी पोइट्री में देखने को मिलता है? वर्ड्सवर्थ का। उधर पी बी शेली में भी जो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है वहां पे देखने को मिल रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी न्यू एज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू गो विद द डेट, विद डेट्स। उस जो डेट्स है वो क्या है, वो क्या कहाँ पे क्या बात करता है, ये चीज पता होना जरूरी है। तो जो डेट्स है उन डेट्स में मैंने आपको बताया कि एक इम्पॉर्टेंट डेट कौन सा है, 1798, जो लिरिकल बैलेट से रिलेटेड है। दैट वाज द जॉइंटली वर्क ऑफ एस टी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डेट है 1789, और कुछ लोग ये कहते हैं कि 1789 में रोमांटिक एज इसलिए शुरू होता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का ब्रोकन आउट हुआ था या फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, इतना भी नहीं, बल्कि जो रोमांटिक एज है वो 1785 में शुरू हुआ था। तो वाई 1785, 1785 को इसलिए माना जाता है कि क्योंकि 1785 में जो भगवत गीता है, या जो द गीता क्लासिक बुक है, क्लासिक बुक है, वह जो किताब है, इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इंटू इंग्लिश बाई जॉन विल्किंसन। तो नोट डाउन दिस पॉइंट कि इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई 1785, द गीता वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इंटू इंग्लिश बाई जॉन विल्किंसन। या इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रांस या प्रश्न ओके 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 जस्ट आई वांट टू टेल यू कि 1785, 1785 जो आपका डेट है, इस पार्टिकुलर डेट को ये कहा जाता है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज द गीता नाम का जो किताब रहा है, दैट इज द क्लासिक पीस, वह किताब संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। तो आपको लिखना है कि 1785 इज रिमार्केबल बिकॉज द गीता फ्रॉम संस्कृत इंटू इंग्लिश वॉज ट्रांसलेटेड, फ्रॉम संस्कृत इंटू इंग्लिश वॉज ट्रांसलेटेड बाई जॉन विल्किंसन। जो जॉन विल्किंसन का जो स्पेलिंग है, जॉन तो आप लिख लेंगे, विल्किंसन का WILKINSON, जॉन विल्किंसन। तो यू विल कम टू नो कि इट वाज ट्रांसलेटेड बाय हुम, इट वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन विल्किंसन। जॉन विल्किंसन ने इसको किया हुआ था। एंड व्हाट इज द डेट? 1785। तो जस्ट आई वांट टू नो कि डिड यू गेट 1798, डिड यू गेट 1789, डिड यू गेट 1785? ये तीनों डेट आपने कवर कर लिया है? कोई कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि वाई 1785, वाई 1789, वाई 1798, ये तीनों डेट, ये कहा जाता है इसमें स्टार्टिंग हुआ। लेकिन अगर कभी भी अगर आपको कुछ करेक्ट आंसर मिलता है, या कुछ अगर ऐसे तीनों ऑप्शन आ जाते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि सबसे रोमांटिक एज का जो डेट है वो कौन सा है, देन यू हैव टू गो विद व्हाट, देन यू हैव टू गो विद 1798।
आपको 1798 के साथ जाना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट हैपेंड इन 1789, व्हाट हैपेंड इन 1785। इन दिस क्लास जो मैं ये सारी डेट की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला, तो टीजीटी पीजीटी दोनों में आप उठा के देखिएगा। आई थिंक ये मोर देन 2 या 3 टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड कि व्हाट व्हेन व्हेन द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज ब्रोकन आउट, व्हेन डिड इट आकर। सो एक तो वो सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर इसकी जो क्लोजिंग का डेट है, जो रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज का जो क्लोजिंग डेट है, उस क्लोजिंग डेट में 3 डेट को जोड़ा गया है। उन 3 डेट में एक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें जो मैंने डिस्कस किया वो 1837 है। 1837 को मैंने बताया कि क्वीन विक्टोरिया का आना होता है, लेकिन एक और दूसरी डेट भी है क्लोजिंग का, वो 1832 है, 1832। इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाट हैपेंड इन 1832, देन रिमेंबर दैट कि 1832 में जो है, जो उस डेट को कहा जाता है, व्हाई दैट डेट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड। द फर्स्ट रिफॉर्म बिल, जो पहला रिफॉर्म बिल था वह पास हुआ, इसलिए वो पार्टिकुलर डेट इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड। तो एक जो आपको इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, वो ये चीज ध्यान में रखनी है कि पहला रिफॉर्म बिल, द फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड व्हाट वाज दैट डेट, दैट डेट वाज 1832। एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट बिल, दैट बिल वाज ब्रॉट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट टू अपलिव द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, स्पेशली डेली वेजर्स, वर्कर्स, लेबरर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया। और वह जो घटना हुई है वो कब की, 1832 की है। सो दैट डेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो 1837, 1832। बट देर आर सम पीपल दे से नो कि रोमांटिक एज 1850 ईस्वी में कंप्लीट होता है या खत्म होता है। उन उनसे जब उन्होंने अपना लॉजिक दिया, तो दे से कि इन 1855 द ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत के साथ ही वो मानते हैं कि हाँ, रोमांटिक एज का क्लोजिंग होता है। सो ये जो 6 डेट है, इन 6 डेट को आपको ध्यान में रखना है, 3 स्टार्टिंग और 3 क्लोजिंग। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3 स्टार्टिंग में एक आपका 1785 है, एक आपका 1789 है, एक आपका 1798 है। इसी तरह से 3 क्लोजिंग है, 3 क्लोजिंग में एक 1837 है, एक 1832 है और एक 1850 है। ये तीनों को मैंने बताया। अब अगर इन 6 डेट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, देन यू कैन जस्ट आस्क। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, या इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज डेट्स, यू कैन जस्ट टेल मी। अच्छा, लास्ट वाला मैंने बताया कि जो 1850, 1850 जो मैंने मेंशन किया था, उसमें मैंने ये मेंशन किया कि ये कहा जाता है कि द ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850। तो उसी के साथ ही ये मानना चाहिए कि रोमांटिक एज का आपका समापन होता है, या रोमांटिक एज एंड इन 1850, 1850 ईस्वी में जाके खत्म होता है। ऐसी ऐसा सोच या इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। एनी अदर क्वेरी? सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो दिस पार्टिकुलर एज, या जब आप इस एज को फॉलो करते हैं, या इस एज पे आप बात करते हैं, तो एक वर्ड आ रहा है कि रोमांटिक। व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिक? रोमांटिक से क्या मतलब है? हाउ डू यू टेक रोमांटिसिज्म? मैंने इसके पहले भी जी टीपू जी ठीक है,
और मैंने आपको बताया था कि पूरे यूरोप में नावेल के लिए जो है जो वर्ड यूज किया जाता था वह रोमन वर्ड, सबसे पॉपुलर वर्ड इन एनी लैंग्वेज दैट वाज रोमन। रोमांटिक और रोमन में कोई बहुत अंतर नहीं है। रोमन और रोमांटिक जहां पर भी आर ओ एम ए एन आया वहां पर आप ये समझिए कि वो ब्यूटी की बात है, इमेजिनेशन की बात है, एडवेंचर की बात है और लव की बात है, शिवालिक रोमांस की बात है। दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप इस तरह की चीजों को देख रहे हैं या इस तरह की चीजों को बात कर रहे हैं, देन ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि व्हाट डू यू फाइंड देयर। यू फाइंड एट ऑल कि जिस एज में आप बात कर रहे हैं या जिस एज की हम लोग बात कर रहे हैं, वह एज जो है जो रोमांटिक एज है उसमें कहीं ना कहीं दो बातें खास करके, नंबर वन एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन और दूसरा ब्यूटी। तो राइट डाउन की जो रोमांटिसिज्म है या जो रोमांटिक एज है उसका सबसे बड़ा खासियत यही है कि वहां पर क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। ब्यूटी का और इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा यूज है, एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। आई थिंक कि यू आर गेटिंग दिस पार्टिकुलर पॉइंट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि व्हाट आई वांट टू से कि व्हाई देर इज द एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोमांटिक एज में इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट रहा है, लेकिन ये दो पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, यू विल गेट सम अदर थिंग्स। एक तो इसको क्या कहा गया कि रिनेशा ऑफ वंडर कहा गया, रोमांटिक एज को या रोमांटिसिज्म को क्या कहा गया, रिनेशा ऑफ वंडर, RENAISANC, रिनेशा ऑफ वंडर, WONDER, रिनेशा ऑफ वंडर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ये भी कहा जाता है कि ये जो था रोमांटिक एज जो था, रोमांटिक एज में वी फाइंड द रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। जो एलिजाबेथन लिटरेचर था स्पेशली पोइट्री, उसका हम जो है क्या करते हैं, हम उसका रिवाइवल देखते हैं, रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर इन रोमांटिक एज, रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। एक्सेप्ट इट यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड मेडिवल सेटिंग, मेडिवल सेटिंग, MEDIEVAL, मेडिवल सेटिंग, रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। दूसरा पॉइंट मेडिवल सेटिंग, नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर जो आपको मैं बताऊंगा उसमें यह है कि कंट्री साइड ब्यूटी, कंट्री साइड ब्यूटी। यू विल कम टू नो कि कंट्री साइड ब्यूटी का यूज किया गया। पोयम्स विच अल्टीमेटली यू फाइंड किंग्स क्वींस लैंडलॉर्ड्स मिनिस्टर्स कोर्टियर्स स्पेशली इन एब्सलम एंड अहीतोफेल एंड रेप ऑफ द लॉक, यू फाइंड दैट कि नो दीज कैरेक्टर्स यू डोंट फाइंड इन रोमांटिक एरा। इन रोमांटिक एंड यू फाइंड द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, गगलिंग साउंड ऑफ द रिवर, राइजिंग ऑफ द सन, क्लाइंबिंग ऑफ द मून, ब्लोइंग ऑफ द एयर। सो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, ओपन स्काई, ओपन फील्ड, बहुत ही जेंटिल एंड ब्यूटीफुल एटमोसफियर यू फाइंड। इट सीम्स देर इज एक्सपेक्टेशन, वो एट वॉन्ट्स टू लिव
और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इस्केपिस्ट नेचर, इस्केपिस्ट नेचर दे मीन्स इट सीम्स दैट पोएट्स डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, दे आर इस्केपिस्ट, दे वांट टू स्केप फ्रॉम द रियल जो लाइफ है उससे वे बचना चाहते हैं। तो इस्केपिस्ट नेचर ऑफ द पोएट, यह एक पॉइंट रहा जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी मैंने आपको बताया कंट्री साइड ब्यूटी, फिर मैंने आपको बताया कि एक और पॉइंट जो आपको नोट करना है, रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल। रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, इन सबके अलावा अगर आप देखेंगे कि यह जो पोइट्री थी इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, अ रिएक्शन एंड रिवोल्ट, दोनों वर्ड आप यूज करिएगा, रिएक्शन एंड रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, रिएक्शन एंड रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट पॉइंट इट वॉज अ रिएक्शन एंड रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट पॉइंट यू विल कम टू नो कि यहाँ पर ज्यादातर जो लिटरेचर का यूज है उस लिटरेचर में मैंने आपको पहले बताया था इमेजिनेशन है, इमोशंस है, मतलब ब्यूटी है, लेकिन एक और चीज जो ध्यान में रखना है वो क्या है, यूज ऑफ इमोशन फीलिंग्स एंड पर्सनालिटी, इमोशन फीलिंग्स एंड पर्सनालिटी, जो इमोशंस है फीलिंग्स है पर्सनालिटी है जज्बात है उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, सब्जेक्टिविटी है, इमोशंस फीलिंग्स पर्सनालिटी और सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वी फाइंड शॉर्ट पोयम, हम कैसी पोयम्स पाते हैं, शॉर्ट पोयम्स छोटी पोयम्स हम पाते हैं, और वो ज्यादातर जो शॉर्ट पोयम्स है वो लिरिक है, शॉर्ट पोयम्स जो है वो लिरिक है, सोनेट है, और ओड आपको देखने को मिलेगा, जानकीर्स तो पूरा ओड के मास्टर ही रहे, तो ज्यादातर जो कंपोज किया गया वो सोनेट है, लिरिक है, ओड है, दीज थिंग्स यू फाइंड। लांगर पोयम्स भी रही है, ऐसा नहीं कि ये कहा जा नहीं जा सकता लांगर पोयम नहीं है, यू फाइंड लांगर पोयम्स आल्सो, लेकिन जो भी लांगर पोयम्स रही है वह जो उसमें कुछ एपिक भी रहा है, कुछ और भी चीजें रही हैं। सो यू विल कम टू नो कि खासकर द प्रील्यूड, द प्रील्यूड, द प्रील्यूड जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो 1805 पे लिखा गया 1850 में, वो तो एक एपिक पे ही रहा है। लांगर पोयम कुछ आपको और भी देखने को मिलेगा, जैसे हाइपीरियन रहा है, फॉल फॉल ऑफ हाइपीरियन रहा है, ऑल दिस थिंग जो जॉन कीट्स ने लिखा था, लेकिन ज्यादातर जो पोयम रही है वो शॉर्टली, जैसे सोनेट 523 डडन सोनेट के नाम से आता है, और जितने लिखे गए हैं लिरिक बहुत सारा रहा। सो व्हाट आई वांट टू से, ये जो जमाना था उसमें सब्जेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड यूटोपिया, यहाँ पे इसमें जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म आपको देखने को मिलेगा, यूटोपिया आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड यूटोपिया, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड यूटोपिया, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाट की यू विल कम टू नो कि ऐसा लगता है कि सम मेडिवल कैरेक्टर्स, कभी कुछ पोएम्स ऐसी है जहां पे फेरी लैंड की भी बातें हैं, तो कुछ जो है जो मेडिवल सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स अगर हम यूज करें, चाहे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रहा हो, चाहे आपका जो है ला बेली डेल सेंस मर्सी रहा, वहां पर भी आप देखते हैं कि मेडिवल सेटिंग
और सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ब्लैंक वर्स, यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल। लोगों ने अपने हार्ट और सोल को अनलॉक किया, और अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल से जो मकसद था, उसका एकमात्र पर्पज यही था कि व्हाट व्हाट यू हैव, आपका जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जो जज्बात है आपके पास जो है, वो दूसरों को उड़ेलना, वहां पे उनको बताना, तो अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रीडर। रीडर से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं, अपने बारे में, अपने जज्बात को, तमाम चीजों को वे बता रहे हैं। इवन जो जो प्रोज रहा है, वो प्रोज भी जो है कैसा रहा है, वो भी जो है प्रोज पोएटिक्स पोयम आपको देखने को मिलेगा। और तो वहां पे ये भी चीज आपको देखने को मिलती है कि जो प्रोज है वो भी जो है पोएटिक फॉर्म में है। तो यू यू कैन जस्ट से कि पोएटिक एसेज, पोएटिक एसेज आपको देखने को मिलेगा, पोएटिक एसेज। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यू विल कम टू नो, या यू विल गेट दीज पॉइंट्स दैट आर हाईली सिग्निफिकेंट, दैट्स मच इम्पोर्टेंट, एंड व्हेन यू गो टू टेक दीज पॉइंट्स, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन एलिजाबेथन लिटरेचर एंड रोमांटिक लिटरेचर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये कहा जाता है कि इसमें एलिजाबेथन लिटरेचर का रिवाइवल है, इसीलिए उसको रिनेशा ऑफ वंडर कहा गया, या उसको जो सेकेंड रिनेशा भी कहा जाता है, सेकेंड रिनेशा, रिनेशा ऑफ वंडर। राइट डाउन सम अदर पॉइंट। एक पॉइंट आपको लिखना है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मानवतावाद। एक पॉइंट आपको लिखना है लिबरलिज्म। मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? ठीक, ओके। एक पॉइंट आपको लिखना है ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। ये सारी बातें मैंने एलिजाबेथन लिटरेचर में भी मैंने किया था, बट यू विल फाइंड दीज पॉइंट्स हियर आल्सो कि रोमांटिक एज की ये सब फीचर्स रही है। दूसरा पॉइंट है लिबरलिज्म, उदारवाद। पोएट्स वर लिबरल, दे वर टॉकिंग अबाउट इवन पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जिनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, फ्लावर्स को लेकर, बर्ड्स को लेकर, ट्रीज को लेकर, माउंटेन्स को लेकर के, उनके बारे में वे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यू 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 फाइंड दीज थिंग्स वे भी वहां पे रहे हैं, लिबरलिज्म। अदर पॉइंट्स विच आई वांट टू से कि एक्सेप्ट ह्यूमनिज्म, एक्सेप्ट लिबरलिज्म, यू विल कम टू नो कि दैट देर आर सम अदर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। एंड व्हाट इज दैट थिंग, दैट थिंग इज कि वहां पे कल्ट ऑफ ब्यूटी, जो रिनेशा की खासियत रही है, यू ऑल्सो फाइंड कल्ट ऑफ ब्यूटी। ह्यूमनिज्म, लिबरलिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, ह्यूमनिज्म, लिबरलिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, या जी शिल्पी जी, या नहीं, देर इज नॉट ब्यूटी इन लिटरेचर, बट अल्टीमेटली देर इज द यूज ऑफ ब्यूटी, एंड ब्यूटी हैज नॉट ओनली बीन अप्रिसिएटेड बट ब्यूटी हैज बीन वर्शिप्ड। कल्ट मीन्स वर्शिपिंग, ब्यूटी, या सो यू विल कम टू नो लिबरलिज्म, ह्यूमनिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। नेक्स्ट पॉइंट पैंथिज्म, PANTHEISM, पैंथिज्म। नेक्स्ट पॉइंट मिस्टिसिज्म। पैंथिज्म के बारे में बताना चाहते हैं कि पैंथिज्म जो है, यह एक फिलॉसफी है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ही जस्ट सेज गॉड इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज गॉड। ईश्वर कण कण में है, गॉड इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज गॉड। दैट इज द फिलोसफी ऑफ हुम, दैट इज द फिलोसफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का वह फिलोसफी है।
गॉड इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज गॉड, दैट इज पैंथिज्म। देन नेक्स्ट टाइम मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म रहस्यवाद, रहस्यवाद को, ये भी वर्ड्सवर्थ की खासियत है। वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि जो है जितना भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के को चलाने वाला कोई है जो उसके पीछे काम कर रहा, उसके बारे में जानना ही क्या है मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। और ये चीज जो है भगवत गीता में या द गीता में बहुत बेहतरीन ढंग से बताई गई। सो यू विल कम टू नो, उन्होंने कहा जो मिस्टिसिज्म है दैट इज टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, ऐसी चीज में विश्वास करना जिसके लिए कहा जाए कि विश्वास के योग्य नहीं, टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स। एक्सेप्ट इट, यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि गिविंग रिगार्ड टू माइनर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, गिविंग रिगार्ड टू माइनर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। गिविंग रिगार्ड टू माइनर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, या जी जी राजेश जी जी फिर से न्यू पॉइंट, गिविंग रिगार्ड मतलब जो माइनर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है, जैसे जो जो कि जिसपे कभी पोएम कंपोज भी नहीं किया गया होगा, बटरफ्लाई को लेकर, डेफोडिल को लेकर, फ्लावर को, स्टार्स को, माउंटेन को, चर्पिंग ऑफ बर्ड, ऑल दीस थिंग्स यू विल कम टू नो कि बहुत सारी पोएम है जिसपे लगातार कुकू के बारे में, वो टू स्काई लार्क ले लीजिए, वो टू द वेस्ट विंड ले लीजिए, डेफोडिल आप ले लीजिए, टिनटिनाबे आप ले लीजिए, यू विल फाइंड ओनली नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, दोस थिंग्स हैव बीन ग्लोरीफाइड, अप्रिशिएटेड, सच अ थिंग वी फाइंड। सो व्हाट इज इट शोज की देर इज अ मेंटेलिटी, एंड दैट पर्टिकुलर मेंटेलिटी गिव्स रिगार्ड टू व्हाट इट गिव्स रिगार्ड टू पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर और माइनर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विच हैव बीन अंडर एस्टिमेटेड, विच हैव बीन इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी डोंट फाइंड द प्रेजेंस ऑफ दीज थिंग्स आर दीज ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज अ की पॉइंट, इट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट वेर वी फाइंड दैट कि हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन एंड हाउ दीज थिंग्स हैव बीन अप्रिसिएटेड, यह एक पॉइंट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपसे बताया था कि गिविंग रिगार्ड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के अलावा, आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग, आई एम मिसिंग हियर, व्हाट वाज दैट पॉइंट? या रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, क्रांतिकारी विचारधारा, खासकर वो टू द वेस्ट विंड, तो उसको उसके एपिटोम रहे, वहां पर आप देखेंगे और भी जगहों पे ऐसे देखेंगे पोयम में, ये रिवोल्यूशनरी स्पिरिट बहुत अच्छे ढंग से नजर आ रही है। और पोइट्री का दो ब्रांच नजर आता है, नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एंड सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एंड सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। यू विल कम टू नो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, दूसरा सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। सो दीज वर द पॉइंट्स जो हमने आपसे बात किया, एंड आई विल टॉक यू टुमारो, और जस्ट एंडिंग दिस सेशन हियर। और अगर कल आप जो है क्लास से पहले मैसेज देख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ ऐसा ऐसा भी चांस हो सकता है कि क्लास ना भी हो पाए, और अगर होगा तो मॉर्निंग में हो सकता है, इवनिंग में ना हो, किसी एक सेशन में नहीं रहेगा, लेकिन अभी मैं क्लियरली नहीं कह सकता हूँ ये चीज़ कब होगा कैसे होगा। बस आज मैं यहीं तक आपको, चूंकि रोमांटिक एज का ये जितना पॉइंट अगर आप इसको रिकॉल करेंगे, तो इसमें पूरा एक दर्शन, एक आइडियोलॉजी है, आप उस आइडियोलॉजी को थोड़ा सा मेमोराइज करिए, चूंकि आपने वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ा है, पीवी शेली को भी पढ़ा, कीट्स को भी पढ़ा, जस्ट रिकॉल दीज पॉइंट्स एंड मेमोराइज इट एंड जस्ट अप्लाई इट कि वेयर डू यू फाइंड दीज पॉइंट, देन ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है।
अगर किसी का कुछ कहना हो, नो क्वेरी, आई विल नॉट टेक एनी क्वेरी अगर किसी को। जी अंबिका जी, अभी अभी तो अंबिका जी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, कई जगहों पे मुझे जाना है, आज भी मैं बाहर हूँ। आप पीछे की लोकेशन देख के समझ सकती हैं कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, किसी तरह से मैंने मैनेज किया है। तो अगर मैं हूँगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो अभी ये भी थोड़ा सा डाउट है कि सैटरडे को हो पाएगा या नहीं। अगर बाई द वे होता है तो आप ये मान के चलिए कि वो जो होगा वो आपका फार्म साहब ड्रामा पर मैं कराऊंगा, क्योंकि फार्म साहब पोइट्री लगभग मैंने ओवर किया है। फार्म साहब ड्रामा नहीं, सॉरी, रेट्रिक एंड प्रोसोडी, पोइट्री का एक हिस्सा बाकी रह गया था, रेट्रिक और प्रोसोडी वो है उसी से रिलेटेड, तो रेट्रिक और प्रोसोडी पे मैं कराऊंगा। ओके ओके ओके, मोस्ट वेलकम।